अगर आपका बजट 20,000 है और आपको इस बार में एक 43 इंच 4K टीवी चाहिए जो कि कम से कम 4-5 साल चल सके विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो कुछ ऐसे टीवी मैंने इसलिए समय सेलेक्ट किए जिसमें आपको 4K डिस्प्ले के साथ 40 वाट का तगड़ा स्पीकर, 16GB का बड़ा स्टोरेज, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में वॉइस कंट्रोल और रिमोट, ये सब फीचर आपको सिर्फ 20,000 में मिलेगा। उससे 1 रुपया ज्यादा देने की जरूरत नहीं है आपको। और आप लोग ऐसा मत सोचना कि सस्ते मिल रहा है तो बेकार होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने इस ऑर्डर में सभी ब्रांडेड कंपनी के टीवी को ही सेलेक्ट किया है जिसका अच्छा खासा रिव्यू एंड रेटिंग है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं नंबर 3 की। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार। तो आते हैं नंबर 3 पर। इस लिस्ट के नंबर 3 पर आता है थॉमसन 9R प्रो 4K टीवी। एक बार इसका आप लुक देखो, क्या जबरदस्त दिख रहा है और साथ में बहुत ही कम बेजल के साथ आता है जिससे इसका लुक और भी फंटास्टिक हो जाता है। स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 2GB का रैम, 8GB का स्टोरेज, कॉर्टेक्स A53 का क्वाड कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट, गूगल असिस्टेंट एंड क्रोमाकास्ट इनबिल्ट दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 43 इंच का 4K डिस्प्ले मिलता है विद 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ और साथ में 500 nits पीक ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 178 डिग्री व्यू एंगल और स्पीकर 40 वाट का दिया गया है जो कि आपके घर को एकदम हिला के रख देने वाला है। और साथ में BT 5.0, डुअल बैंड वाईफाई, 2 USB पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट और साथ में आपको 1 ईयर का वारंटी। और ये इसका रिमोट आप लोग देख लो, और रिमोट में आपको डेडिकेट गूगल असिस्टेंट का बटन दिया गया है तो आप वॉइस कमांड देकर अपने टीवी को ऑपरेट कर सकते हो। और साथ में आपको सभी पॉपुलर ऐप का सपोर्ट मिल जाता है लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो ओवरऑल देखा जाए तो जबरदस्त टीवी है, बस इसका एक ही डाउनसाइड है, इसमें आपको थोड़ा एंड्रॉइड का पुराना वर्जन मिलता है, नहीं तो और सब चीज तो इसमें आपको जबरदस्त दिया गया है। तो फाइनली बात करते हैं प्राइस की। इसका करंटली प्राइस 19,999 रुपीज है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हो, बट मैं तो बोलता है वेट करो, इससे भी अच्छे अच्छे टीवी है लिस्ट में आ गए। तो आते हैं नंबर 2 पर। इसके नंबर 2 पर आता है हमारे इन्फिनिक्स ब्रांड का इन्फिनिक्स W1 4K QLED टीवी। डिस्प्ले के मामले में देखा जाए तो ये टीवी सबसे बेस्ट है बिकॉज ऑफ इसमें आपको QLED मिलता है जिससे आपका फोटो एंड वीडियो क्वालिटी और भी इनहेंस हो जाता है। स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 1GB का रैम, 8GB का स्टोरेज, क्वाड कोर प्रोसेसर, LG का WebOS, गूगल असिस्टेंट एंड क्रोमाकास्ट इनबिल्ट दिया गया है। इस टीवी में आपको लिमिटेड ऐप का सपोर्ट मिलेगा तो ये बात ध्यान रखना। डिस्प्ले पर आए तो इसमें आपको 43 इंच का 4K QLED डिस्प्ले मिलता है विद 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ और साथ में 350 nits पीक ब्राइटनेस, HDR 10 का सपोर्ट, 178 डिग्री व्यू एंगल और तो और आपको 100+ sRGB मिलता है। तो मैं आपको पहले बोल दिया था कि सबसे बेस्ट डिस्प्ले इसी टीवी का है। स्पीकर बात, इसमें आपको 20 वाट का स्पीकर मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस के साथ और साथ में BT 5.0, डुअल बैंड वाईफाई, 2 USB पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट और ये इसका रिमोट आप लोग देख सकते हो और साथ ही साथ इसमें भी आपको सभी पॉपुलर ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। एक्स्ट्रा फीचर बता दो, इसमें आपको ThinkQ ऐप का सपोर्ट, बॉक्स में वॉल माउंट और साथ में 1 ईयर का वारंटी। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब चीज आपको अच्छा मिल जाता है, बस इसमें अगर आपको एंड्रॉइड या गूगल का OS मिल जाता तो और भी अच्छा बन जाता है ये टीवी, बट अभी भी अच्छा है ब्रो, ऐसा मत सोचना कि बेकार है। तो आते हैं प्राइस पर। इसका करंटली प्राइस 19,999 रुपीज है। तो अगर आपको ये टीवी अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 की। इसके नंबर 1 पर आता है iFalcon U62 4K टीवी। बहुत लोग बोलेंगे ये कौन सा नल्ला ब्रांड है, तो मैं आपको बता दूं, आप TCL को जानते हो ना, TCL उसी का ये सब ब्रांड है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। लुक्स एंड डिजाइन आपको जबरदस्त मिल जाता है, बहुत ही कम बजट देखने को मिलता है इसमें भी। स्पेक्स देखो तो इसमें आपको 2GB का रैम, 16GB का बड़ा स्टोरेज, क्वाड कोर प्रोसेसर, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम विद एंड्रॉइड 11 के साथ और साथ में गूगल असिस्टेंट एंड क्रोमाकास्ट इनबिल्ट दिया गया है। डिस्प्ले पर आए तो इसमें आपको 43 इंच का 4K डिस्प्ले मिलता है विद 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ और साथ में 260 nits पीक ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 178 डिग्री व्यू एंगल, 24 वाट का स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस के साथ और साथ में BT 5.0, डुअल बैंड वाईफाई, 1 USB पोर्ट और साथ में 3 HDMI पोर्ट। ये इसका रिमोट आप लोग देख सकते हो। इस टीवी में भी आपको सभी ऐप का सपोर्ट मिल जाता है और अगर आपको कोई अदर ऐप भी डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो बिकॉज ऑफ इसमें आपको प्ले स्टोर मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए जबरदस्त टीवी है भाई। प्राइस की बात करें तो इसका करंटली प्राइस 18,999 रुपीज है। तो अगर आपको ये टीवी अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हो, नहीं तो आप इन्फिनिक्स वाला भी ले लो, वो भी जबरदस्त है। और हाँ, वैसे मैंने सभी टीवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप वहाँ चेकआउट मार सकते हो।
हो। और अगर आप वीडियो के यहाँ तक आई गए हो और आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भूलना और इससे वीडियो देखने के सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।